डॉक्टर संजय निषाद जो है कैबिनेट मंत्री बनने के बाद संत कबीर नगर आए हैं और संत कबीर नगर जो है प्रवीण निषाद जी यहाँ के सांसद हैं वो हमारे साथ हैं। क्या मानते हैं प्रवीण जी की जो है डॉक्टर साहब के कैबिनेट मंत्री बनने से आपके समाज को कितना फायदा पहुंचेगा? एकदम निश्चित तौर पर हम लोगों ने हम ही के द्वारा और माननीय पिताजी के निवेदन पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि मंत्रालय से मत्स्य मंत्रालय को अलग किया और देश आज़ाद होने के 70 साल बाद आज पहली बार मत्स्य का कोई कैबिनेट हुआ है, जिससे हम लोग अपने जो परंपरागत मछुआरे हैं जो इससे व्यवसाय करते थे, इनकी रोजी रोटी छिन चुकी थी। नदियों के किनारे रहने वाले, ताल के किनारे रहने वाले हमारे निषाद समुदाय जो जिनकी रोजी रोटी बंद हो, जिनका दैनिक जीविकोपार्जन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरता था, उनको सुधारने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए हम लोगों को मत्स्य मंत्रालय मिला, पिताजी को मंत्रालय मिला और निश्चित तौर पर जो हमारे समाज का सपना था, हम लोग का सपना था, उसको हम लोग पूरा करेंगे। प्रवीण जी, एक बड़ा मुद्दा है कि आरक्षण के मुद्दे पर आपको सहभागिता भी मिली है और आरक्षण के मुद्दे अपनी साथ समाज के आरक्षण के मुद्दे को लेकर आप जो है सड़क से सदन तक आपने लड़ाई भी लड़ी है, तो आरक्षण के मुद्दे पर कब तक आपको सफलता मिलेगी और अपने समाज को कब तक आरक्षण मिल पाएगा? निश्चित तौर पर जो नेतृत्व हमें आभार व्यक्त किया है और जो समय हम लोगों ने मांगा है उस समय निर्धारित समय पर हम लोग को आरक्षण मिल जाएगा, क्योंकि चुनावी वर्ष था ये। चुनाव वर्ष में अमित शाह जी ने कहा था कि इसमें अभी रहने दो, 2023 से पहले हम आपको आरक्षण देंगे और निश्चित ही हम लोगों की मांग को मानते हुए अमित शाह और मोदी जी हमको आरक्षण देंगे, ये हमें आशा उम्मीद है। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर प्रवीण निषाद जी जो सांसद संत कबीर नगर, उनका मानना है कि जो है आरक्षण 2023 तक जो है निषाद समाज को मिल जाएगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन और अशोक कुमार के साथ हेमंत सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर। अनिल त्रिपाठी जी हैं मेहदावल से, निषाद समाज के विधायक हैं निषाद पार्टी से, वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आज डॉक्टर संजय निषाद को कैबिनेट में जगह मिली है और संत कबीर नगर दौरा कितनी खुशी क्या जनाब कितनी खुशी है डॉक्टर संजय निषाद के कैबिनेट मंत्री बनने पर? वो तो आपको दिखाई दे रहा है, सारे तरफ हर्ष व्याप्त है और ये जनता, गरीब जनता अपने गरीबों के मसीहा को जिस रूप में आज देख रही है, जिस रूप में आज पा रही है, उसकी वजह से ये हर्ष का वातावरण व्याप्त है यहाँ। निषाद समाज को कितनी जो है कितना लाभ मिलेगा डॉक्टर साहब के जो है? अब तक के इतिहास में जो निषाद समाज को सम्मान, समृद्धि और लाभ मिला है, उसका मुझे लगता है कि सैकड़ों गुना इस बार मिलेगा अवसर। क्या मानती है कि जो आरक्षण का मुद्दा था निषाद समाज का, उसको कितना बल मिलेगा और कब तक पूरा होने की संभावना? मुझे लगता है कि उसको इस शासन में जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का गठबंधन की सरकार है, इस शासन में ये सबसे बड़ा अवसर मिलने वाला है, इस मुद्दे को सुलझाने में सबसे बड़ा अवसर मिलने वाला है। तो ये थे हमारे साथ मेहदावल विधानसभा पे विधायक निषाद पार्टी से जो है अनिल त्रिपाठी जी, उनका मानना है कि जल्दी ही जो है डॉक्टर संजय निषाद के जो है कैबिनेट मंत्री बनने पर निषाद समाज का उत्थान होगा और जल्दी ही निषाद समाज को आरक्षण मिल सकेगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन और अशोक कुमार के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर। सबसे पहले तो जो दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा जी के साथ हुआ है, ये इतना शर्मनाक है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो बहुत गलत है। पूरा मामला लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली, वो आत्महत्या नहीं है, वो उनका मर्डर हुआ है। सबसे पहले तो मैं अपनी फैटर्निटी से दरख्वास्त करूंगा कि उनको वीरांगना आप कहना शुरू करें, महान लेडी। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक कॉम्प्लिकेशन होती है, डॉक्टर्स अपने जीवन में, लोग कोई डॉक्टर कभी यह नहीं चाहता है कि उसके मरीज की मृत्यु हो, उसको भी अपने रेपुटेशन, अपने नाम की चिंता है। लेकिन सोसाइटी में 302 सेक्शन जैसे धाराएं लगा दी जाती हैं एक डॉक्टर के ऊपर, हत्या, इतनी मेहनत उसने ये इसलिए की थी कि उसके ऊपर हत्या जैसी घनघोर क्राइम की धारा लगा दी जाए, मेंटली हैरेस किया जाए। साहब, हत्यारे नहीं हैं, जान बचाने के लिए आए हैं। कोरोना में हम लोगों ने दुनिया को इंट्यूबेट किया, जब लोग आपस में बात करने में मास्क लगा रहे थे उस समय इंट्यूबेट करके उनकी जान बचाई, इसलिए कि आप सेक्शन 302 लगा दें बिना जाने हुए कि यह धारा एक विशेषज्ञ के ऊपर नहीं लगाई जा सकती है। वह एक विशेषज्ञ थी,
जिस बीमारी का उन्होंने इलाज किया, जिसका नाम है पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच। पीपीएच एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें ब्लीडिंग होने से मरीज की मृत्यु हो जाती है। उसमें आपने, जिसमें उन्होंने 2 बोतल ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया, उसमें आपने उनके ऊपर 302 जैसे संगीन जुर्म की धारा लगा दी। डॉक्टर वीरांगना, डॉक्टर अर्चना शर्मा की हत्या जो हुई है, उसके लिए मैं ऑनरेबल कोर्ट से, सरकार से सख्त सजा की मांग करता हूं। और ऐसी सख्त सजा दी जाए, एक विशेषज्ञ इस हमारे देश से कम हुआ है, जो आज, अभी वो 45 साल की थी, उनका जीवन था, वो अपने जीवन काल में अनेक जानों को बचाई होती। जिन लोगों द्वारा यह कृत्य किया गया, जिन परिवार, उनकी पहले भी डिलीवरी उसी अस्पताल में हुई थी, 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वो सुसाइड लेटर पढ़ पाऊँ। नीचे देखा, कुछ बच्चों के लिए लिखा था, आज भी हिम्मत नहीं है कि वो पढ़ पाऊँ। मेरी पत्नी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात हुई, इतने सदमे में जिसका कोई हिसाब नहीं, कि क्या डॉक्टर साहब 302 जो ये लगा है ये क्या सही है। निशब्द हूँ, स्तब्ध हूँ। एक विशेषज्ञ जो उस बीमारी का जानकार है, जिसने हेमरेज मतलब जो ब्लीडिंग हो रही है उसके लिए 2 बोतल खून चढ़ाया हो, वो नेग्लिजेंस करेगा? नेग्लिजेंस तब होता जब उसको ब्लड नहीं चढ़ा होता, नेग्लिजेंस तब होता जब उस पर ध्यान नहीं दिए होते हैं। और 302 नॉर्मल डॉक्टर नहीं, वो उसी बीमारी का विशेषज्ञ है। दैट डिजीज कम्स अंडर दैट डॉक्टर। ये हत्या हुई है, ये भले उन्होंने आत्महत्या की हो, लेकिन अगर आप कायदे से देखेंगे तो इसमें उनको इतना मेंटली हरेस किया गया कि उन्होंने ऐसा, एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं थी ना वो, बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति नहीं थी ना, एक क्रीम दिमाग था, एक क्रीम दिमाग था, जो जिसके मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो इसका मतलब है कि उनको प्रेरित किया गया कि आप आत्महत्या करें, छोटे छोटे 2 बच्चे उनके। दोषी एक मॉब आ जाती है अगर, और मॉब कहती है जी इन्होंने किया है, 100 लोग इकट्ठा करके, भाई डॉक्टर्स तो नहीं इकट्ठा कर सकते 100 लोगों को दिन भर के इतने व्यस्ततम शैली में अपने आप को, लेकिन 100 लोग इकट्ठा करके अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, पहले आप पता कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस चीज़ पे कि आप डायरेक्ट किसी विशेषज्ञ के खिलाफ ऐसे FIR न लॉन्च करें जब तक आप उस फील्ड के व्यक्ति से पता ना कर ले कि क्या यह अपराध हुआ है कि नहीं। वो मेरे पास कॉपी भी है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, अपने चैनल के माध्यम से ये ज़रूर दिखाएँ कि क्या यह सही है कि नहीं। और मैं हमारे सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, विनम्र दरख्वास्त है, एक तो वैसे ही कितनी कम संख्या में डॉक्टर हैं, प्रति 1100 व्यक्ति पे 1 डॉक्टर, और वो भी जो विशेषज्ञ हैं वो तो और कम हैं, उसमें एक विशेषज्ञ का चला जाना हमारे देश की जो क्षति है वो पूरी ही नहीं की जा सकती। कम से कम अगर वो जिंदा होती तो 1 लाख और जानों को बचाती। जी दहशत में तो डॉक्टरी नहीं हो पाएगी, दहशत इस बात की कि अगर मैं PPH अटेंड करती हूँ, मृत्यु चांसेस हैं भाई, मरीज तो अस्पताल में ही मर रहा है, घर पे तो मृत्यु हो नहीं रही है। अब उस मृत्यु का जिम्मेदार केवल डॉक्टर को दे दिया जाए, क्या जितने डॉक्टर कोरोना में मरे हैं उन्होंने किसी ने कहा कि नहीं हमारी मृत्यु का जिम्मेदार डॉक्टर है? जवान 35 साल के डॉक्टर, 40 साल के डॉक्टर जिन्होंने मृत्यु को पाया, उसके लिए कोई जिम्मेदारी लिया कि नहीं? डॉक्टर, कोई डॉक्टर ने कहा कि नहीं इस वजह से हमारी जान गई, जनता की वजह से हमारी जान गई, कोरोना में सेवा करते हुए हमारी जान गई? ऐसी इतना ह्यूमिलेशन, ये गलत है। हम लोग सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं कुछ तो स्वास्थ्य दिए हैं, उसकी
इज्जत करें। और अगर इस तरीके का हो रहा है तो मेरी दरख्वास्त है कि ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जिसमें उनकी जान की रक्षा हो सके। सबसे पहले तो उनके पति द्वारा जो बयान आया कि इसमें एक पत्रकार महोदय ने भीड़ को इकट्ठा किया, मैं यह भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप देश के एक स्तंभ में से हैं, अगर आप लोग इस तरीके को ऐसे दिखाएंगे कि डॉक्टर की गलती थी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा, उसमें उन्होंने ये लिखा कि मेरी मौत यह साबित कर पाए कि मैं गलत नहीं थी, मैंने पूरे मन से उनकी जान बचाने की कोशिश की। अब वो शायद चीज़ें वापस नहीं आ सकती हैं, ना वो वीरांगना डॉक्टर इस धरती पे वापस आएगी, लेकिन मेरी विनम्र शब्द में यह है, उनके बच्चे कम से कम कल को ये ना सोचे कि मेरी माँ डॉक्टर होने की सजा पाई, जीवन में डॉक्टर नहीं बनना है, ये ना सोचे कि ये पेशा बहुत ख़राब है। उसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि सरकार दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, इतनी कड़ी सजा दी जानी चाहिए जिससे आगे से कभी ऐसे किसी विशेषज्ञ की कमी हमारे देश में ना हो, और उस वीरांगना को बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इतना प्रेशर, इतना लंबा उम्र काम करने का, जो मेहनत उन लगन उन्होंने की होगी, और ऐसे अल्प आयु में मृत्यु, उनको मेरे हिसाब से वीरांगना की ख्याति और भारत रत्न से सम्मान देना चाहिए। आज डॉक्टर संजय निषाद संत कबीर नगर पहुंच रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहला दौरा है, और हमारे साथ वैभव चतुर्वेदी हैं भाजपा नेता, उनसे जानते हैं कि कितनी खुशी, उनके सहयोगी दल के कैबिनेट मंत्री बने हैं डॉक्टर संजय निषाद, कितनी खुशी है भाजपा? देखिए, निश्चित रूप से जब ये 2022 का चुनाव चल रहा था तब भी आपने इंटरव्यू लिया था, और तब भी हमने कहा था कि फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। आज सरकार बनने के बाद हम लोगों का पहली मुलाकात है, और उसमें आज देखिए हम यहाँ पर डॉक्टर संजय निषाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी, सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, आज उनके स्वागत में हम लोग यहाँ संत कबीर नगर में खड़े हैं, और आज आप फिर से भेंट हुई है आपसे, और मैं अपनी बातों पर कायम हूँ। अब आप बताइए, सरकार पुनः उतनी ही प्रचंड बहुमत से बनी है। मानते हैं कि समाज को डॉक्टर संजय निषाद जिस तरह समाज की लड़ाई लड़ते आए हैं, उनके कैबिनेट मंत्री बनने से समाज को कितना फ़ायदा मिलेगा? निश्चित रूप से मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि डॉक्टर संजय निषाद जी को जिस तरीके से जो मंत्रालय दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं निषाद समाज का बहुत बड़ा विकास आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। सीधे लाभ जो एकदम धरातल पर जो समस्याएं हैं उस समाज की, इससे अच्छा विभाग कोई उनको नहीं हो सकता था जिसके माध्यम से मदद करते, और यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको इसका देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ये थे हमारे साथ वैभव चतुर्वेदी जी, भाजपा नेता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टर संजय निषाद को जो मंत्रालय मिला है उससे निषाद समाज का हित होगा और निषाद समाज आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर।